बॉन्जर एवरीवन, एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं पेरिस फ्रांस में. सॉरी सॉरी भाई, ये क्या है, अब तक तो एंटर भी नहीं हुआ पेरिस में और डोनेशन वोनेशन चालू. भाई एग्जिट तो करने दो एयरपोर्ट से. यू फ्रॉम तुर्की? हाँ, नाइस टू मीट यू. आई एम फ्रॉम इंडिया. या और मुझे 45 डेज का मल्टी एंट्री वीजा मिल गया. तो सारे डॉक्यूमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप पूरा सब प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में. तो रितिका, आज से मेरी यूरोप ट्रिप की शुरुआत हो रही है. काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि यूरोप पहली दफ़ा जा रहा हूँ, है ना. और इस यूरोप की ट्रिप में ना सबसे ज़्यादा मुझे पता है किसकी याद आने वाली है. एक मिनट साइड रहना, इसकी. क्योंकि भाई ये नहीं मिलेगा मुझे यूरोप में. ऑलराइट गाइस, जोक्स अपार्ट, स्वागत करता हूँ सबसे पहले आप सभी का एक नए ट्रैवल सीरीज में यूरोप, जो कि जगह ही इतनी इंटरेस्टिंग है ना, स्पेशली हम इंडियंस के लिए वन ऑफ द डिजायर्ड प्लेसेस है. फिर चाहे कोई भी कंट्री ले लो उसकी, फ्रांस ले लो, जर्मनी ले लो, इटली ले लो, स्विट्जरलैंड ले लो, है ना. वहाँ जाने की इच्छा, उसके शेंजन वीज़ा के बारे में इच्छा, हमको बहुत इच्छा होती है. मैं भी खुद इतना एक्साइटेड हूँ. इसका कारण ये कि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ये यूरोपियन सिटीज़ तो कहलाती है और उधर मैं काफ़ी दफ़ा जा भी चुका हूँ, लेकिन उसको रशिया कहने में अच्छा लगता है. आई मीन अभी हम प्रॉपर यूरोप जा रहे हैं ना, वो मेन है. तो यहाँ से मेरी डायरेक्ट फ्लाइट है मुंबई से पेरिस की, जो कि 9.5 घंटे की फ़्लाइट है. एयर फ्रांस की है. पेरिस में कुछ दिन रुकूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, आप लोगों को भी बताऊंगा, उसके बाद कहीं और जाऊंगा, उसके बाद कहीं और जाऊंगा. मतलब आप भी इधर ही हो, मैं भी इधर ही हूँ, आपको भी पता चल जाएगा कि 27-28 देश तो है ही है यूरोप में, लेकिन अभी इसमें से कौन सी कंट्रीज में जाने वाला हूँ, हर 2-3 दिन में वीडियोस आपको मिलते जाएंगे, तो आप भी अनुभव करते रहना. तो ये जो फर्स्ट वीडियो है ना यूरोप सीरीज का, इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि शेंजन वीज़ा कैसे मिल सकता है हम इंडियंस को, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, और फर्स्ट टाइम में क्या इजीली मिल जाता है, बिकॉज मैंने भी ये पहली दफ़ा अप्लाई किया है शेंजन वीज़ा और मुझे 45 डेज का मल्टी एंट्री वीज़ा मिल गया. तो सारे डॉक्यूमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप पूरा सब प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में. साथ ही साथ एयर फ्रांस का भी अनुभव देख लेंगे, पेरिस की एक झलक भी देख लेंगे, है ना. बोर्ड कर दी है फ्लाइट. अगर फ्लाइट की बात करूँ तो ठीक ठाक है, मतलब इतना वो नहीं है जैसे थाई एयरवेज हो गया, वियतनाम एयरलाइंस हो गया. मेरे को लगा एयर फ्रांस भी कोई रहेगी एनीवेज, लेकिन बहुत सारी सीटें, मतलब ये जो अगल बगल की तो 2 ही सीटें, लेकिन आगे से अगर देखोगे तो 3x4x3 वैसा सीटिंग अरेंजमेंट है. सीटें बहुत सारी है और इन्होंने ये दे रखा है हेडफोन, ये कंबल, छोटा सा तकिया जो मेरे पीछे है, बहुत ही छोटा है, मतलब हल्का फुल्का, ऐसा टीवी है. अब मेरे को पता नहीं टीवी में क्या क्या है. एनीवेज, अगर ये फ़्लाइट के रेट की बात करूँ तो 22,000 की मैंने बुकिंग कर रही थी, एक हफ्ते पहले ही बुक की थी. और फ्लाइट्स हो गया, होटल्स हो गया, आपको पता है मैं कहाँ से बुक करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ वीगो का ट्रैवल ऐप. वीगो एक फास्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप है और साथ ही साथ चीपेस्ट कंपैरिजन साइट भी है, जहाँ मेरे को जब भी फ्लाइट या होटल्स कुछ भी सर्च करना होता है तो ट्रैवल कंपनीज और बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स को कंपेयर करके अमेजिंग से रिजल्ट्स पेश कर देता है. वीगो में आप बहुत सारे कंट्रीज के आप वीजा भी अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ इंडियन रेलवे IRCTC की ट्रेन्स भी बुक कर सकते हो. अब जब एक ही ट्रैवल ऐप में सारे टाइप्स की बुकिंग सर्विसेज हो जाती है, इसीलिए तो मैं प्रीफर करता हूँ. अभी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो तो उसे अपडेट जरूर करना टू एंजॉय अमेजिंग ऑफर्स. अब हम भी एंजॉय करेंगे बिकॉज 9.5 घंटे की फ्लाइट है, खाना पीना तो फ्री आएगा, लेकिन खिड़की सीट भी मिल गई है. रात में उड़ान भर रहे, सुबह सुबह पेरिस पहुँच जाएंगे. साढ़े 9 घंटे की फ्लाइट बहुत लंबा ड्यूरेशन लगता है, मतलब सो के कितना सोओगे, टाइम पास करोगे कितना, वही बात है. और स्पेशली रात की फ्लाइट, खाने पीने के नाम पे भी क्या ही ससुरा मिला है, हो सकता है आगे मिलेगा. 5 घंटे हो चुके हैं पूरे फ्लाइट को, 4.5 घंटा और बाकी है. 4 घंटे 3.5 घंटे आप कह सकते हो मैं सोया हूँ. और लेकिन मेरे को एक चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी है कि जो मर्जी आप जितना जो पीना है पी सकते हो. क्लास है तो उसमें पानी ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हो, जूस ले सकते हो, ये चीज़ ऐसे ही रखा है इन्होंने. Bye.
भाई साहब इमिग्रेशन में तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, हर जगह बहुत भीड़ है बाप रे। बॉन्जर एवरीवन, एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं पेरिस फ्रांस में। ये है चार्ल्स दी गॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पेरिस में टोटल 3 एयरपोर्ट है और ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है पेरिस का ही नहीं पूरे फ्रांस का। एनीवेज अगर फ्लाइट की बात करूँ ना तो सुबह 8:30 बजे इसने लैंड तो कर दिया था, अब बजे सुबह के 10, डेढ़ घंटा मेरे को इमिग्रेशन में लग गया। जी क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं हुए, सिर्फ पासपोर्ट लिया मेरा, स्कैन किया, दैट्स इट। लेकिन लाइन इतनी लंबी थी ना इतनी सारी अराइवल्स थे, बिकॉज फ्रांस का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसकी वजह से डेढ़ घंटा इमिग्रेशन लाइन में लग गया। एनीवेज ये एयरपोर्ट का एग्जिट है क्योंकि इमिग्रेशन यहाँ पे भी हो गया। और इंडिया में भी अगर बात करूँ इमिग्रेशन में तो कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं हुए, सिर्फ रिटर्न टिकट मेरे से मांगी गई जो कि मैंने 15 दिन बाद मेरी वेनिस से रिटर्न है मुंबई के लिए। चलो इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि अंत में मैं वेनिस भी घूमने वाला हूँ। अभी अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेन से पहुँच जाते हैं सिटी सेंटर, जो कि तकरीबन 41 मिनट लगा सकती है। इसका कारण यह कि 25 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर इस एयरपोर्ट से, तो ट्रेन ही सबसे सस्ता पड़ेगा, टैक्सी वैक्सी तो भूल ही जाओ, है ना। और गूगल मैप्स में मैंने देखा कि यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन जाती है मेरे सिटी सेंटर, जो हॉस्टल मेरा बुक डे वहाँ पे, और यहाँ पे गूगल मैप्स अच्छे से काम करता है। अभी मेरे को रेट वेट कुछ नहीं पता, ये देखो यूरोस तो मैंने इंडिया से ही खरीद लिए थे, 50-50 यूरो के बहुत सारे नोट है, बहुत सारे मतलब 13-14 नोट है। आप समझ जाओ इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करके 89 रुपीज़ का भाव पड़ा, क्योंकि गूगल के हिसाब से 88 रुपीज़ चल रहा है, 1-1.5 रुपये आपको पता है कि करेंसी कन्वर्शन रेट लगता ही है। तो मैंने ये यूरो इंडिया से ही खरीद लिए थे, और ये यूरो हर कंट्री में चलेगा, ऐसा नहीं कि भाई ये फ्रांस में ही चलेगा, जर्मनी में मेरे को वापस चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जो भी 27-28 देश है ना यूरोप के, सब में ये करेंसी चलेगा। यू फ्रॉम तुर्की? हाँ, नाइस टू मीट यू। And this way is the railway station, right? Yes. Okay, thank you. How much time it takes to reach city center? One hour. One hour. Okay. Merci. Gare train station. Gare का मतलब ही होता है train station. ऐसा मत समझना कि Gare नाम का train station है. France में, Paris में जा पर. Sorry. No donation. Sorry. भाई ये क्या है, अब तक तो एंटर भी नहीं हुआ पेरिस में और डोनेशन वोनेशन चालू। भाई एग्जिट तो करने दो एयरपोर्ट से। मैं कह रहा हूँ कि गारे जहाँ पे भी आपको दिखे ना पेरिस में वगैरह, उसका मतलब समझना है यहाँ पे ट्रेन स्टेशन है। गारे द नॉर्ड वन पर्सन या वन पर्सन 11:45 ओके This your ticket. You stop every time you keep it, okay? Okay, okay. Platform number? Platform 11 or 12. Okay, thank you, mercy. भाई साहब 11:45 मतलब तकरीबन 1000 रुपया, 1050 रुपया आप पकड़ के चलो इसका कॉस्टिंग है यहाँ से सिटी सेंटर का ट्रेन का। एक बार हॉस्टल पहुँच जाता हूँ क्योंकि अर्ली चेकिंग तो मिलेगा नहीं, चेकिंग का टाइम है 3 PM, तो अपन करेंगे क्या भाई, अपन रिलैक्स करेंगे, उसके बाद अच्छे से शेंजन वीज़ा का आपको प्रोसेस बता दूंगा। ये आई एम फ्रॉम इंडिया या शिनचैन पता नहीं क्या बोला। ओ यार ओ यार ओ दिस मशीन वे किधर अबाव बिलो दिस इज इसको बिलो बोलते हैं अबाव नहीं हो गया किधर इधर आओ ओके सो ये ट्रेन ने एग्जैक्टली 40 मिनट्स लगाया और पहुंचा दिया हमें एयरपोर्ट से सिटी सेंटर, जहां से महज 5 मिनट बाय वॉक पे हमारी हॉस्टल आ जाएगी। क्लाइमेट की बात करूं तो सुहावना है, गुलाबी ठंड आप कह सकते हो, बिकॉज 12 डिग्री टेम्परेचर है। जब 4 दिन बाद नेक्स्ट कंट्री जाएंगे तो इसी रेलवे स्टेशन पे वापस आना पड़ेगा। सो फाइनली ये रहा पेरिस का फर्स्ट लुक, पहला नज़ारा, ओए होए होए मज़ेदार है, सुहावना एकदम। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन से थोड़ी पता चलता है, प्रॉपर जैसे आप बाहर निकलते हो ओए होए उसके बाद ही तो पता चलता है सब। हाँ जी गाइस, तो ये हम पहुंच गए अपने हॉस्टल में सेंट क्रिस्टोफर्स इन में, जहाँ पे चेक इन तो मिला नहीं क्योंकि 4 घंटे अभी भी बाकी है, और ऊपर बहुत भसड़ है, मतलब इतनी भीड़ है ना। उन्होंने कहा कि सामान की जिम्मेदारी हमारी नहीं, अगर आप छोड़ के जाओगे तो नीचे लॉकर फैसिलिटी है, वहाँ पे आप रख सकते हो। नीचे लॉकर रूम में गया तो भाई साहब इतना महंगा, मतलब इंडिया में तो 5-स्टार होटल भी इतना चार्ज नहीं करते रह गए, पेरिस में हॉस्टल्स में लॉकर के इतने रेट है।
अभी ये हॉस्टल का रूम रेट, पर नाइट का रेट या फिर लॉकर रेट जो भी है अभी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। इसका कारण ये कि नेक्स्ट वीडियो इसी पे बेस्ड रहेगा ना, हाउ एक्सपेंसिव इज पेरिस फॉर इंडियंस, जिसमें हॉस्टल के रेट हो गए या फिर खाने पीने के रेट्स हो गए, क्योंकि बाहर आपने देखे लाइन्स और इंडियन रेस्टोरेंट की भरमार है, ऐसा मिनी इंडिया नहीं लग रहा था। इसका कारण ये है कि साड़ी की दुकान, शेरवानी की दुकान, मतलब बहुत कुछ था, तो वो भी हम अनुभव करेंगे कि कितना महंगा है खाना पीना, या फिर ग्रोसरी स्टोर्स में जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट घूमेंगे। पेरिस का नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से पता चलेगा कि कितना महंगा है सारी चीजें। ये वीडियो में अभी मैं मेन इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि भाई साहब शेंजेन वीजा कैसे अप्लाई करना है और कैसे फ्रांस का या फिर शेंजेन वीजा आपको मिल जाएगा, ताकि के उस वीजा से आप 27-28 देश घूम सकते हो सिंगल वीजा से। जी हाँ, तो गाइस सबसे पहली चीज तो यही बताना चाहूंगा कि फ्रांस, जर्मनी, इनका कोई सिंगल सिंगल वीजा नहीं होता है, यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन है, तो शेंजेन वीजा मिल गया तो ये पूरे यूनियन, ये पूरे कंट्रीज आप कर सकते हो, लेकिन वो आपके वैलिडिटी पे डिपेंड करता है, आपके वीजा के वैलिडिटी पे डिपेंड करता है। मान लो मुझे जो वीजा मिला है ना, मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो मुझे को पता ही था कि मेरे को छोटा ही वैलिडिटी मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मिला। 45 डेज का मल्टीपल एंट्री वीजा, जिसमें मैं मैक्सिमम 30 डेज स्टेज ले सकता हूँ। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, ये दो टाइप के टूरिस्ट वीजा होते हैं, वो क्या होते हैं। मान लो मेरे को 1 नवंबर से 15 दिसंबर का मल्टीपल एंट्री वीजा 45 डेज का मिला है, ठीक है, तो मैं 1 नवंबर से 15 नवंबर ये 15 दिन ट्रिप कर सकता हूँ, उसके बाद वापस इंडिया जा सकता हूँ, 15 दिन इंडिया रुकूंगा, और फिर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर वापस यूरोप आके ट्रिप कर सकता हूँ। मल्टीपल एंट्री, कितनी बार भी आ जा सकता हूँ, मैक्सिमम 30 डेज दोनों ट्रिप मिला के या 3 ट्रिप मिला के, ठीक है। लेकिन वही अगर सिंगल एंट्री मिलता तो एक ही बार मेरे को आना होता तो 30 दिन पूरा निपटाता, या फिर अगर मैं 15 दिन में ही वापस जाता तो भले ही मेरा वैलिड हो वीजा आगे के दिनों में, लेकिन मैं वापस आ नहीं सकता। तो सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री में आपको पता ही ये डिफरेंस रहता है। अब वो आपके हाथ में नहीं रहता है, वो इनके हाथ में रहता है कि आपको सिंगल एंट्री देना है या फिर मल्टीपल एंट्री देना है, ठीक है, तो आपके हाथ में नहीं रहता है, आपके पासपोर्ट पे देखकर वो देते हैं, या फिर एक बार ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, शेंजेन वीजा मिल चुका है, आप घूम चुके हो, उसके बाद दूसरी बार जब अप्लाई करते हो तो मे बी 3 महीना 6 महीने का भी ये दे देते, टोटली इन पर डिपेंड करता है। अभी ये वीजा पाने के लिए ना सबसे पहले दिमाग में एक चीज रखना कि 2 महीने पहले से प्रिपेयर करना, क्योंकि 40 डेज तो आपको अपॉइंटमेंट मिलने में ही लग जाते हैं। अगर मेरे केस की बात करूँ ना, तो जब मैं वीजा अप्लाई करने के लिए बैठा था और अपॉइंटमेंट देखा डेट, तो 40 दिन बाद की मिली थी अपॉइंटमेंट, किसकी, तो भैया VFS के ऑफिस में जाके बायोमेट्रिक्स देने का। अब VFS क्या है, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट है फ्रांस का या फिर स्विट्जरलैंड का, जर्मनी का, जो भी मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री है ना, तो VFS ही कैटर करती है वीजा के लिए, ठीक है। तो मैं आपको 3 इजी स्टेप्स में बताता हूँ, मैंने अलग अलग स्टेप्स कर रखे हैं ताकि कि आपको शेंजेन वीजा इजीली मिले, नो मैटर आप पहली दफा अप्लाई कर रहे हो मेरी तरह, विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। सबसे पहला होता है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना VFS साइट के द्वारा। दूसरा स्टेप होता है कि वीजा अपॉइंटमेंट लेना, अपॉइंटमेंट डेट लेना, वो भी VFS के द्वारा होता है। तीसरा स्टेप होता है जो आपको अपॉइंटमेंट डेट मिली है ना, मान लो 40 दिन बाद की, 50 दिन बाद की, या फिर 20 दिन बाद की, आपका नसीब पे डिपेंड करता है, उस दिन सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके वापस जाना और बायोमेट्रिक देना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लैपटॉप के सहारे आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ सारी चीजें। सो गाइस, जैसे कि पहले कहा कि मैं अपने लैपटॉप के माध्यम से आपको इजी तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपको फ्रांस का शेंजेन वीजा मिल जाएगा, यूरोपियन का कोई भी कंट्री का शेंजेन वीजा मिल जाएगा, चाहे फ्रांस हो कि कोई अदर कंट्री हो, बिकॉज मोर और लेस सारी चीजें सेम ही होती है। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है VFS ग्लोबल, ठीक है, 3 स्टेप्स है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप VFS ग्लोबल की साइट देख रहे हो, फर्स्ट पेज पे आपको लिखना है आई एम अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, आप अगर इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हो तो, और आई एम गोइंग टू फ्रांस, हम फ्रांस का ही यहाँ पे करते हैं, क्योंकि मेरे को फ्रांस का इजी तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मल्टी एंट्री मिल गया ना, तो उस हिसाब से मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो टेक मी टू द वेबसाइट, तो VFS का ही पेज खुलेगा, और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि 3 स्टेप्स है, सबसे पहला तो अप्लाई फॉर वीजा, आपको फ्रांस का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सेकेंड स्टेप है बुक एन अपॉइंटमेंट, जो कि VFS से अपॉइंटमेंट बुक करना है, और तीसरा फिर सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आपको अपॉइंटमेंट डेट पे जाना है, वहां पे अपनी बायोमेट्रिक्स देनी है, बायोमेट्रिक्स मतलब अंगूठा, फिंगरप्रिंट और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने हैं, बस 2-3 दिन में आपको वीजा मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से, अप्लाई फॉर वीजा। जैसे आप क्लिक करोगे तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सारी चीजें मिलेगी। फर्स्ट में मिलेगा कि आइडेंटिफाई वीजा टाइप, अपने को पता है कि टूरिस्ट वीजा ही करना है तो इसमें अपने को नहीं जाना है। बिगिन योर एप्लीकेशन पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं और फ्रांस वीजा पे क्लिक करते हैं। अब ये देख लो, VFS गया और सीधा फ्रांस का वेबसाइट खुल गया, क्योंकि लिए VFS से अपने को अभी कोई लेना देना नहीं है, पहले अपने को वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो कि फ्रांस एम्बेसी का है। अब VFS और फ्रांस एम्बेसी का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो जो भी आप फ्रांस का शेंजेन वीजा अप्लाई करोगे वो VFS के जरिए ही होगा। स्टार्ट योर वीजा एप्लीकेशन,
यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट एन अकाउंट। हालांकि मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, सेव्ड है, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके बता देता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स पूछते हैं बेसिकली। ये प्रोसेस में आपको दो जगह अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो ये VFS के साइट पे, सॉरी ये फ्रांस एम्बेसी के साइट पे, और जब आप अपॉइंटमेंट लोगे VFS के साइट पे वहां पे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, मतलब लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, बस दैट्स इट। आप सीधा लॉगिन कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो फिर अपना प्रोसेस। जैसे कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरा हिस्ट्री बताएगा क्योंकि मैंने अप्लाई किया था ना। आप ये मत समझना कि दो बार अप्लाई किया था, एक ही बार अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे मैं नाम लिखना भूल गया था, मेरे को दिखाई नहीं था, सिर्फ सरनेम आ गया और नाम भूल गया था। तो मैंने सेकेंड टाइम फिर वापस फॉर्म ऑन द स्पॉट भरा और उसमें जैन प्रतीक प्रकाश पूरा डाला। हालांकि पैसा एक ही बार लगता है, 2500 रुपये के आसपास टू बी प्रिसाइज, और फिर 7500 रुपया मेरा वहाँ पे लगा था VFS मुंबई, जब BKC में मैं गया था ना। VFS मुंबई का ऑफिस BKC में है, तो आप कह सकते हो 10000 रुपये के आसपास लगता है मोटा मोटी फ्रांस शेंजन वीज़ा लेने का। स्टेप नंबर वन में करंट नेशनलिटी इंडिया, प्लेस ऑफ सबमिशन इंडिया ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे मैंने इंडिया सिलेक्ट किया, और बगल में है सिटी ऑफ सबमिशन। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि VFS के ऑफिसेज कहाँ कहाँ पे, आप कहाँ पे बायोमेट्रिक देने अपॉइंटमेंट के जरिए जा सकते हो। अहमदाबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, जलंधर, न्यू दिल्ली, पौंडीचेरी, पुणे, ठीक है। लेट्स सिलेक्ट बॉम्बे। और उसके बाद वीज़ा टाइप रिक्वायर्ड, शॉर्ट, ना लॉन्ग करना है आपको, ना एयरपोर्ट ट्रांजिट, शॉर्ट स्टे विद इन 90 डेज, मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे जाहिर सी बात है फ्रांस ही आएगा क्योंकि आप फ्रांस एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हो। योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपके सारे पासपोर्ट के डिटेल्स, ऑर्डिनरी पासपोर्ट आएगा, यहाँ पे इंडिया आएगा, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आएगा, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी डेट, दैट्स इट। उसके बाद योर प्लान्स, व्हाई यू आर मेकिंग दिस ट्रिप, टूरिज्म, टूरिज्म, ये भी आपको ऑप्शन आ जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं लिखना है आपको और वेरीफाई करना है। सो ये जो फर्स्ट पेज का फिल करना था वो तो मैंने लैपटॉप के सहारे बता दिया, फिर मैंने सोचा कि बहुत लेंदी हो जाएगा, जिसके कारण मैं ऐसे ही डिस्क्राइब करता हूँ बाकी के पेजेस, है ना, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का। सेकंड पेज में ये पूछते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका सेक्स क्या है, मेल या फीमेल, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका जॉब क्या है, जॉब का एड्रेस क्या है, जॉब का प्रोफाइल क्या है, और तो और आपका कोई फैमिली मेंबर पेरिस तो नहीं रहता है, अगर रहता है तो उसका भी डिटेल्स दो, तो उसमें तो नो ही आता है जाहिर सी बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होता है उसमें ये पूछते हैं कि पिछले 5 साल में कभी आप शेंजन वीजा आपने कभी लगाया है या फिर गए हो कभी, तो उसमें नो करना या फिर यस करोगे तो आपको डेट भी पूछेंगे कि कौन से दिन में आपने फिर बायोमेट्रिक दिया था। उसका नेक्स्ट पेज आता है कि आपका होटल या हॉस्टल बुकिंग का एड्रेस क्या है, आपका जो ट्रैवल कॉस्ट है खुद ही आप बैर कर रहे हो या फिर कोई स्पॉन्सर है, या फिर क्रेडिट कार्ड, कैश, क्या आप माध्यम से ट्रैवल करोगे, यही सब डिटेल देनी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें यह है कि पोर्ट ऑफ एंट्री क्या है, मतलब कहाँ पे लैंडिंग कर रहे हो, मैक्सिमम दिन आप कौन से देश में रह रहे हो, तो उसमें जाहिर सी बात है फ्रांस ही आएगा, तभी तो अप्लाई कर रहे हैं ना फ्रांस का। और उसके बाद आता है कि फ्रांस ही घूम रहे हो या फिर अलग अलग देशों में भी घूम रहे हो, तो मैंने लिखा था एम्स्टर्डम जाऊँगा, आई मीन नीदरलैंड जाऊँगा, बेल्जियम जाऊँगा। जो भी आप लिख रहे हो ना, जरूरी नहीं कि ट्रिप वैसी हुआ, मतलब मैं एम्स्टर्डम जा ही नहीं रहा इस ट्रिप में, तो कहने का मतलब वही है कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो आप लिख रहे हो वैसा ही आपका ट्रिप हो। बस तो ये सिंपल तरीके से आपका फॉर्म फिलिंग करना है, ऑफिस सेव करना है, और जो आपका सेव हो जाएगा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म वो फ्री में होता है, ऐसा कोई चार्ज नहीं लगता है वो टाइम पे, तो PDF डाउनलोड कर देना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अपॉइंटमेंट लेना। सो जैसे ही आपने 6 स्टेप्स पूरे भर दिए, इसका मतलब आपने वीजा फॉर्म कंप्लीट कर दिया है, आपको PDF से वो फाइल डाउनलोड करनी है, और ये जो रेफरेंस नंबर है ना इसको कॉपी करना है क्योंकि ये आपको पेस्ट करना पड़ेगा जब आप अपॉइंटमेंट लोगे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही अभी मैंने कहा था कि ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा पूरा, अपने को सेकंड स्टेप करना है, बुक एन अपॉइंटमेंट। जैसे ही आप VFS के वेबसाइट पे वापस आके बुक एन अपॉइंटमेंट करोगे तो अगेन आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएगी, क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। तो जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया VFS का, ठीक है, तो फिर आपको नज़दीकी डेट मिल जाएगी कि मतलब मान लो 20 दिन बाद या 30 दिन बाद की, कि ये आपको डेट मिल रही है चाहिए क्या, या फिर 4 दिन बाद की चाहिए उसके, मतलब कैसा, तो आप ले लेना उस हिसाब से अपॉइंटमेंट डेट, और फिर 2500 रुपया भर देना, उस टाइम ही भरना रहता है 2500 जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो, बुक करते हो तो, ठीक है। और 7500 रुपया बाकी का कब लगता है, जब आप अपॉइंटमेंट, थर्ड स्टेप जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, थर्ड स्टेप ये रहता है कि जो आपका डेट रहता है ना अपॉइंटमेंट, उस दिन जाने का, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का और 7500 रुपया भरने का, टोटल वीजा कॉस्ट आपका लगेगा 10000 रुपया। वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है थर्ड स्टेप, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, आपने जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसका प्रिंट आउट। सेकेंड चीज, जो आपने वीजा का अपॉइंटमेंट लिया है उसका भी स्लिप का प्रिंट आउट, ताकि कि वो आप जब VFS ऑफिस जाओगे तो उसको दिखा के आपको एंट्री मिलेगी। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका 6 मंथ्स का लास्ट
पासबुक का बैंक डिटेल्स, मिनिमम बैलेंस 1.5-2 लाख चलेगा, बैंक का स्टैंप और साइन होना चाहिए। चौथी चीज़ है कि 2 साल की पिछले ITR रिटर्न फाइल, मोर और लेस सब सेम ही डॉक्यूमेंट है जो चाइना, साउथ कोरिया, जापान वीज़ा में मैंने अप्लाई किया था, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नहीं, आपके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका आइटनरी क्या है, आइटनरी आप कुछ भी बता सकते हो, 4 दिन पेरिस रुक रहे हो उसके बाद ट्रेन से जा रहे हो, 4 दिन ब्रुसेल्स में रुकोगे उसके बाद ट्रेन से जा रहे हो, 4 दिन एम्स्टर्डम जाओगे, कुछ भी आइटनरी लिख देना। लेकिन आइटनरी में ही ना लोगों का नुकसान होता है, कैंसिल ज़्यादा होता है वीज़ा। इसका कारण ये है कि लोग कुछ भी लिख देते हैं, गूगल मैप खोल के देखना कि भाई नज़दीकी कंट्री जो कनेक्टेड है वो कौन सा है, वही आइटनरी देना। पब्लिक क्या करती है, पेरिस, पेरिस से फिर बोलेगी कि ऑस्ट्रिया जा रहा हूँ, ऑस्ट्रिया से बल्गेरिया जाऊँगा, बल्गेरिया से इटली जाऊँगा, इटली से एम्स्टर्डम, मतलब अनप शनअप मैपिंग, कोई इधर से उधर कौन इतना कूदता है भाई, लाइनसर होता है ना कभी भी, तो वैसा ही आइटनरी देना ताकि उनको भी लगे कि हाँ सेंसिबल है और फिर वो वीज़ा दे ही दे, रिजेक्ट ना करे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है कि कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर में वही सब लिखना है कि भैया मेरा नाम ये है, मेरा पासपोर्ट डिटेल ये है, मेरे को जाना है यूरोप में 15-20 दिन के लिए घूमना फिरना है, ये सब देश मेरा प्लान है जाने का, मैं मेरा खर्चा खुद उठा सकती हूँ, बस यही सब लिखना है। उसके अलावा जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस, जी हाँ $50,000 का सम इंश्योर्ड वाला ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। मैंने रिलायंस का लिया हुआ था 1 साल पहले, जो 1 साल का वैलिडिटी रहता है और 2400 रुपये के आसपास पड़ा था। बस यही सब डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको जाना है VFS के ऑफिस में, नज़दीकी VFS ऑफिस में बायोमेट्रिक्स देना है, ये सबमिट करना है, 2-3 दिन बाद आपको घर पे आ जाएगा आपका पासपोर्ट, लग जाएगा आपका वीज़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो अभी मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो पूरा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही था कि कैसे शेंजन वीज़ा, जो कि मैं समझता हूँ कि मेन है, बहुत लोग ट्राई करते हैं, किसी को लगता है किसी को नहीं लगता है, किसी को अटक जाता है, कि इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी मिलती है तो फिर वो अप्लाई नहीं करता है। मैंने सोचा कि ये प्रॉपर अप्लाई कैसा तरीका रहता है वो पूरा दूंगा, ये वीडियो में गाइड करूंगा ताकि कि आपको आसान हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, बने रहे क्योंकि आगे आने वाले यूरोप के वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाले, बिकॉज आप ही समझो कि कितना डिटेल देने वाला हो, पेरिस अच्छे से घूमूंगा, स्कैम वैम होता है क्या या फिर चोरियाँ वोरियाँ होती है कि सिर्फ सुनते आए हैं, पेरिस का डिज्नीलैंड जाने का प्लान है, क्योंकि हर जगह डिज्नीलैंड तो जाता ही जाता हो, चाहे फिर वो टोक्यो हो कि हांगकांग हो, बच्चा होना यार अंदर से, फिर हम एक देश से दूसरे देश ट्रेनों में जाएंगे तो ट्रेन की बुकिंग्स भी एक अलग हेक्टिक प्रोसेस है, कैसे बुक करने का, कैसे सस्ते में आप ट्रेन ट्रैवल कर सकते हो, मतलब बहुत चीज़ें मिलेगी। एक भी वीडियो मिस मत करना यूरोप सीरीज का, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं है तो ऑल नोटिफिकेशन पे कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो पहले करना, ठीक है। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, लव यू ऑल।